और मूंग नीचे कुछ तो स्नैक्स बनाने गई है। देख ये चीज ही ऐसी है जिसको अगर एक बार खाती है तो तू चुराना नहीं जाता, खत्म करके फिर होता था। तो यार वैक्सीनेशन के बारे में आपको तो अपडेट मैंने दिया ही नहीं है, क्योंकि राइड करते टाइम आपकी विजन क्लियर होनी बहुत जरूरी है, ये आपके सेफ्टी का सवाल है। यार हेलमेट साफ करने के लिए बहुत सारे प्रोडक्ट्स आते हैं। तो भैया ये देखो बूट की हालत बहुत ज्यादा गंदा होके पड़ा हुआ है। तो यार आज सुबह ये वाला पार्सल आया था अमेज़न से और अभी तक मैंने देखा नहीं है कि इसके अंदर क्या है, तो अभी देखने की बारी कि इसके अंदर क्या है। यार आज मुझे जाना था ऑफिस बट ड्यू टू सम रीजन वो पोस्टपोन्ड हो गया है। अब ऑफिस मुझे जाना है कल और उसके लिए चाहिए मुझे कुछ क्लोज जिसे अभी मुझे आयरन करना है। होला अमिगोस, तो भी आज के ब्लॉग में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। होप यू ऑल आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। राइट नाउ द टाइम इज 7:30 इन द इवनिंग और मूंग नीचे कुछ तो स्नैक्स बनाने गई है, तो अभी फटाफट से आयरन करते हैं और उसके बाद वो स्नैक्स खाएंगे। तो यार मो स्नैक्स लेकर के आ गई है और क्या लाई है, क्या ये क्या बोलते हैं इसको, कॉर्न, स्वीट कॉर्न। तो भैया ये है स्वीट कॉर्न और इसको बना करके लाई है। ऐसे बोल रहा है जैसे इतनी सही था तुम्हारे कटोरी में, पूरा भरा हुआ था कटोरी तुम्हारा, तुम तो खा के गए, मुंह संभालने नहीं आता, पूरा खाकर खत्म कर फिर दिखा रहा है। देख ये चीज ही ऐसी है जिसको अगर एक बार खाती है तो तू चुराना नहीं जाता, खत्म करके फिर होता था। ये जो स्वीट कॉर्न है उसको हमने लाया था लास्ट डे हम जब गए थे CC2 सिटी सेंटर 2, वहाँ पे जब पैंटलूस पे गए थे तो पैंटलूस के अंदर घुसने के लिए मोर से होकर के घुसना पड़ता था। तो मोर पे मुझे अकेली रुकी थी और मैं गया था पॉटी करने, तब ये खरीदी थी। राइट, और भी तो कुछ खरीदी है, खाने वाली चीजें खरीदी थी ना, क्या था वो, इडली मिक्स, तो वो भी होगा किसी दिन। तो यार वैक्सीनेशन के बारे में आपको तो अपडेट मैंने दिया ही नहीं है, मैंने वैक्सीन लिया था 17 को, मतलब मैंने और मुंह ने दोनों ने वैक्सीन लिया था 17 को और आज है 21, यानी 18, 19, 20, टोटल 3 दिन निकल गया बीच में। कोई भी साइड इफेक्ट ऐसा सच हुआ नहीं है, किसी को बुखार है, किसी को बॉडी पेन होता है, ये सब कुछ भी नहीं हुआ हम लोग को। बट हाँ, वैक्सीनेशन के नेक्स्ट 2 दिन हमको बहुत ज्यादा सुस्ती आ रही। अब सुस्ती वैक्सीनेशन के लिए है या फिर आई एम रिकवरिंग फ्रॉम द इलनेस उसके लिए है ये मुझे पता नहीं है, बट मूव भी सेम शिकायत कर रही थी कि 2 दिन उसको भी सुस्ती थी, तो आई सपोज वो वैक्सीनेशन के लिए ही हो रही थी। इससे ज्यादा और कुछ हुआ नहीं है, वी आर वेल एंड गुड और जो भी सुस्ती हो रही थी उससे हम रिकवर कर चुके हैं ऑलरेडी, सो ग्रेट सक्सेस। यार अचानक से बहुत जोर की बारिश चालू हो गई है, तो देखते हैं बारिश के साथ साथ वेदर भी थोड़ा सा ठीक होता है कि नहीं। होप कि गर्मी थोड़ी कम हो जाए, वैसे तो गर्मी पहले से बहुत कम है बट और भी गर्मी कम हो तो और भी अच्छा। एट लास्ट थोड़ी सी राहत मिल गई है, थोड़ी सी क्यों, अच्छी राहत मिल गई है। क्या बारिश भाई। यार कल मैं ऑफिस बाइक लेकर के जाने का सोच रहा हूँ, तो इसके लिए मुझको 2 चीज साफ करने होंगे, पहला तो है हेलमेट और दूसरा है माय बूट्स। ये दोनों ही चीजें काफी ज्यादा गंदा होकर के पड़ा हुआ है, तो सबसे पहले हेलमेट साफ करते हैं और उसके बाद बूट साफ करेंगे। तो ये देखो भाई यहाँ पर हेलमेट पड़ा हुआ है ऐसे ही, काफी ज्यादा गंदा तो नहीं है बट साफ तो करना पड़ेगा। यार हेलमेट साफ करने के लिए बहुत सारे प्रोडक्ट्स आते हैं बट मैंने आज तक कभी भी कोई प्रोडक्ट्स यूज नहीं किया हूँ, मैं बस नॉर्मल पानी से हेलमेट साफ करता हूँ। जैसे कि ये मैंने सिर्फ नॉर्मल पानी से इसको एक बार धो लिया है और अभी इसको इस कपड़े से ड्राई क्लोथ से पोंछ लूंगा, बस यही बहुत सही से काम करता है आज तक, तो मेरे लिए यही काम करते आया है। बट ये चीज मैं जब घर पे रहता हूँ तब फिजिबल है, बट जब मैं किसी राइड पे रहता हूँ या फिर रास्ते पर रहता हूँ तब हर जगह पानी मिलना डिफिकल्ट हो जाता है। तो अगर आपके पास कोई प्रोडक्ट रहता है तो उसको यूज करके आप एटलीस्ट ये वाइजर जो है इसको साफ कर सकते हो, क्योंकि हेलमेट साफ करते रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि राइड करते टाइम आपकी विजन क्लियर होनी बहुत जरूरी है, ये आपके सेफ्टी का सवाल है। तो भैया हेलमेट तो साफ पूरी तरीके से हो चुकी है, ये देखो भाई बिल्कुल चकाचक हो गया है, तो अभी इसको रख देते हैं और चलते हैं बूट साफ करने। तो भैया ये देखो बूट की हालत बहुत ज्यादा गंदा होके पड़ा हुआ है, मतलब पूरा कीचड़ वीचड़ लगा हुआ है, तो इसको भी साफ करना पड़ेगा। इसको भी सिर्फ वाटर से साफ करेंगे क्योंकि कल फिर से गंदा होने वाला है। तो भैया बूट जो है वो साफ हो चुकी है, ये देखो पूरी तरीके से साफ हो गई है, मतलब पहले से बेटर है और इतना ही काफी है। तो फिलहाल बूट को अभी यहाँ पर रख देते हैं और एक चीज मुझको अभी साफ करना पड़ेगा वो है मेरा बैग, क्योंकि बैग बहुत दिन से पड़ा हुआ है ऐसे ही, मतलब धूल मैल सब जम गई है। तो ये देखो भैया ये रहा बैग, ये रहा कपड़ा, मैं इसको अभी साफ कर लेता हूँ। ग्रेट सक्सेस।
तो यार आज सुबह ये वाला पार्सल आया था अमेजोन से और अभी तक मैंने देखा नहीं है कि इसके अंदर क्या है, तो अभी देखने की बारी कि इसके अंदर क्या है। तो कैमरा पकड़ेगी मो और मैं इसका करूंगा अनबॉक्स। तो इसको काटने के लिए ये कैंची, जो कि हमारे घर में सबसे बड़ा कैंची है। हम तो सोच रहे थे इस चैनल का नाम सैम्स व्लॉग को छोड़कर। क्या क्या ठीक से बोल, चैनल का नाम खुद को ही नहीं पता है। सैम्स व्लॉग। हाँ क्या बोली अभी, सैम व्लॉग? नहीं, सैम्स व्लॉग ही बोला है मैंने। तो ये हो गया कट और ये है कट टू कट। यार ये तो मेरे बाइक का कवर लग रहा है, बट इतना पतला। ठीक ही तो है, पतला है काफी, वाटरप्रूफ है लगता है। ठीक है क्या, क्वालिटी ठीक है? हाँ क्वालिटी ठीक ठाक ही है। सही है, खड़े होकर के देखते हैं। क्वालिटी ठीक ठाक ही है। प्राइस इसका लिया था 250 के करीब लिया होगा, उस हिसाब से तो ठीक है, बट बहुत हल्का है, जगह भी कम लेता है, तो ये बैग के अंदर आ जाएगा। हाँ ये एक बात है, अगर मैं किसी भी जगह जाता हूँ तो ये आसानी से बैग के अंदर आ जाएगा, बहुत छोटा सा ही। बट इसके अंदर मिरर का कटआउट था, वो तो कहीं नहीं मिल रहा मुझको। ये देख, ये है मेरा कटआउट, ये मुझे तो छोटा छोटा लग रहा है। पूरी तरीके से फिट आएगा शायद, इसीलिए ये छोटा लग रहा है। और ऊपर से इसके अंदर ये भी है, मतलब नीचे से बाइक के नीचे से इसको अटका देंगे। ठीक ठाक ये लगता है, एक बार ट्राई करके देखना पड़ेगा, बट बाइक बहुत ज्यादा गंदा है तो इसलिए मैं नहीं चाह रहा हूँ कि उसके अंदर वो कीचड़ वीचड़ लग जाए। तो पहले एक बार बाइक को साफ करेंगे और उसके बाद देखेंगे कि ये फिट आता है कि नहीं। अभी इसका शायद 10 डेज का रिटर्न पीरियड है, तो इसीलिए मैं कल जाता हूँ ऑफिस, उसके बाद वैसे ही गंदा ही होने वाला है बाइक, तो फिर आकर के उसको साफ करेंगे। साफ करने के बाद इसको चढ़ा करके देखेंगे कि कैसा हो रहा है फिटिंग। वाटरप्रूफ है लगता है शायद, मतलब पानी पानी देकर दे। थोड़ा सा ही डालना, ठीक है, हल्का सा। अरे अंदर क्यों डाल रही है, ऊपर डालना, थोड़ा सा ही डालना। बस 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 छोड़ दे। वाटर प्रूफ है भैया। अभी पोंछने का कपड़ा लेकर के जा, वक्त बढ़िया है, बढ़िया है, बढ़िया है। हाँ शायद बहुत ज्यादा बारिश के ऊपर रखेंगे बाइक को तो फिर शायद काम नहीं करेगा, अंदर से पानी जा सकते हैं, मगर ठीक ठाक ही है, मेरे प्राइस के अकॉर्डिंग ठीक ठाक ही है। देखो भैया मैं इसको रखने वाला हूँ घर के अंदर, मतलब बाइक जब घर के अंदर रखूंगा फिर इसको चढ़ा दूंगा बाइक के ऊपर, ताकि वो धूल वूल जो आता है ना, रोड के साइड पे है घर हमारा, तो इसीलिए जो धूल आता है वो एटलीस्ट नहीं जाएगा, उससे काम चलेगा, पानी का कोई जरूरत नहीं है। तो मटेरियल अच्छा ही लग रहा है, बहुत छोटा सा ही है। इसको फोल्ड करके देखते हैं कि कितना साइज आता है, पहले तो हमने देख ही लिया था छोटा सा ही साइज है, बट फिर भी मैं एक बार फोल्ड करता हूँ, देखते हैं कैसा होता है। तो ये देखो भैया फोल्ड करके इतना सा आ गया है, तो काफी आसानी से इसको बैग के अंदर रख सकते हैं क्योंकि बहुत ही ज्यादा कॉम्पैक्ट सा साइज है। अब सिर्फ यही देखना है कि ये बाइक पे फिट आता है कि नहीं, क्योंकि डोमिनार काफी बड़ा बाइक है तो उसके ऊपर ये फिट होता है कि नहीं, ये देखना बाकी है, बाकी चीज काफी बढ़िया है। तो भैया फिलहाल अभी टाइम हो रहा है रात के 10:06 और अभी हम लोग जाने वाले हैं डिनर करने। तो आज के ब्लॉग को यही तक रखते हैं क्योंकि कल सुबह सुबह मुझे जाना पड़ेगा ऑफिस, तो आज रात को जल्दी से सो जाने की कोशिश करूंगा। आज का ब्लॉग काफी छोटा बना है मुझे पता है, बट कभी कभी ऐसा होता है। तो इसी नोट पे आज के ब्लॉग को यहीं पर खत्म करते हैं। अगर आज का शॉर्ट एंड सिंपल ब्लॉग आपको पसंद आया तो ब्लॉग को लाइक करो, हो सके तो शेयर करो, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करो। तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, नॉस वेमास। तो फिलहाल जो देखे, नहीं 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 ज्यादा ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं, तो रख दे वो, देखे देखे तेरा रिकॉर्ड बहुत खराब है ऑलरेडी, तू काट चुकी है बहुत कुछ।